जिला ऊना के भटोली कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध श्री विष्णु सनातन धर्म महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर वीरवार को छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन कर डाला है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणाम से क्रोधित छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने कॉलेज पर ताला तक जड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। छात्रों का आरोप है कि 21 नवंबर को रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें सभी बच्चे पास दर्शाए गए थे, जबकि उसके बाद रिजल्ट को अपडेट करने के नाम पर कई बच्चों को फेल कर दिया गया है। अब ऐसी परिस्थिति में उन्हें यह नहीं समझ आ रहा है कि वो किस कक्षा में बैठे। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्य प्रणाली हमेशा संदेहास्पद रही है, ऐसे में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जिसे सहन नहीं किया जाएगा। कॉलेज के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा, यदि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जल्द इस मसले का हल नहीं किया तो वह न केवल यहां पर लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे बल्कि कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला भी जड़ देंगे। उधर कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद शर्मा का कहना है कि इस मसले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखा गया है, जैसे ही वहां से कोई जवाब आता है तो उसे तुरंत सभी छात्र छात्राओं के साथ साझा किया जाएगा। हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया और मैं उसमें पहले क्लियर पास था और अब उन्होंने ग्रेस मार्क्स हटा के मुझे एक पेपर में फेल कर दिया है और उसमें से ग्रेस मार्क्स मुझे दो मिले हुए थे। जब आपका रिजल्ट आउट हुआ था, कब रिजल्ट आउट हुआ था जिसमें आप पास थे? सर 21 को 21 को हमारा रिजल्ट आउट हुआ था 21 नवंबर। हाँ जी, तो ये दूसरा रिजल्ट कब आया? सर आज सुबह आया है और उसमें जो बच्चे पास थे उनको फेल कर दिया गया है। मैक्सिमम बच्चों की सप्ली दे दी गई है। इसमें आप किसकी गलती मान रहे हैं? अभी आप क्या चाहते हैं? इसका कारण ये है सर, पहले तो हमें फेल कर दिया है, रिजल्ट ऊपर से इतनी लेट दिया है, रिजल्ट अगस्त में आ जाता है, रिजल्ट लेट दिया यूनिवर्सिटी ने, ऊपर से फेल कर दिया, जो बच्चे पास हुए थे अपडेट करके उन्हें भी फेल कर दिया, दो दो नंबरों से फेल करे, सभी सेम मार्क्स है, दो दो नंबरों से फेल किया है सारे ने हमें। अगर बाई चांस सेकंड ईयर के पेपर दिन दिन रिजल्ट आना तो अभी कितने जाने फिर भी हमारे घर वाले हमें भेज रहे हैं, फिर भी हम फेल हो रहे हैं, हमें भी दुख लगता है, बच्चे सुसाइड करने के लिए बोल रहे हैं। एक तो कोविड में हमारी क्लासेस चंडा सर, सबसे पहले जो रिजल्ट आया था हमारा उसमें बताया हुआ था कि जो एनवायरनमेंट का पेपर है उसके मार्क्स नहीं जुड़ते, जो यहाँ पर टीचर थे वो बोल के गए थे कि इसके नंबर नहीं जुड़ते, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेड मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस टाइम रिजल्ट आ गया तो इसके मार्क्स काउंट हो गए, ठीक है। इस सब्जेक्ट के मिला के बच्चों के कई तीन सब्जेक्ट में सप्ली आ रही है, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट को काउंट ना किया जाए तो बच्चों की दो सब्जेक्ट में होगी, तब वो सेकंड ईयर में बैठ सकते हैं। अगर वो इसको कंसीडर कर रहे हैं ना तो उनको फर्स्ट ईयर में वापस रिपीट करना पड़ेगा, मेन मुद्दा ये है। और बच्चों ने ये प्रदर्शन किया है, इसका क्या कारण है? देखिए 21 नवंबर को वीक ऑफ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट क्लियर हुआ था तो उसमें कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे, तो आज स्टूडेंट्स का फिर से रिवाइज रिजल्ट आया है तो शायद यूनिवर्सिटी ने वो ग्रेस मार्क्स जो कर लिए हैं ड्यू टू सम रीज़न, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो बच्चों ने हमें रिप्रेजेंटेशन दी है कि उनका जो रिजल्ट है तो रिवाइज हुआ है और उसके जिन सब्जेक्ट्स में ग्रेस मिली थी वो उन्होंने विथड्रा करी है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन को हम यूनिवर्सिटी में अभी जस्ट फॉरवर्ड करने वाले हैं, तो जो भी फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे वो हम स्टूडेंट्स को कन्वे कर देंगे। तो हमने कंट्रोलर साहब को लिखा है कि इस मैटर में जो है आप जल्द से जल्द इसको देखिए और कार्रवाई करिए सो दैट कि बच्चों का जो करियर है वो सफर ना हो। सर बच्चों का आरोप है कि ये रिजल्ट जो है पहले भी 8 महीने लेट है तो उसकी वजह से हमारे 2 साल बर्बाद हो रहे हैं कुछ। हाँ जी, हाँ जी,
ये देखिए, ये तो यूनिवर्सिटी पार्ट पे है कि ड्यू टू सम रीज़न क्यों उन्होंने लेट करवाया है। तो हमने तो यही बच्चों को समझाया है कि जो हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशन बनती है आपकी, आप लोगों के लिए, तो हम तो उसमें कहेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें। अगर बच्चे रिवेल्यूशन बरतें तो उसको भी विद इन 15 to 20 days उसको डिक्लेयर कर दें, ताकि बच्चे जो है वो अपने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। जब इनकी बैक रोल होता है तो वो अपनी क्लास की स्टडी कर पाएँ। तो अभी सर बच्चों के लिए कोई आश्वासन दिया उन्होंने आपने, जब उनको बच्चों को समझाने का आपने क्या प्रयास किया? बच्चों को पहले मैंने खुद गेटवे जाकर भी समझाया है, तो वो कहते थे कि आप पहले हमारी रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी भेजिए, हम उसको देखना चाहते हैं। तो मैंने, बच्चे अभी भी मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको कहा है कि हम अभी रिप्रेजेंटेशन विद इन 5 minutes भेज रहे हैं, तो वो मेरे को लगता है अभी आई गई होगी, तो उसको भेज के हम बच्चों को बता देंगे कि हमने आपकी रिप्रेजेंटेशन भेज दी। और मेरे को लगता है कि बच्चे हमारे समझदार काफ़ी हैं, वो अपनी क्लासेस रेगुलरली लगाने लगे। तो कोई रिप्लाई आया यूनिवर्सिटी से अभी? अभी तो हम यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, देखते हैं कब तक रिप्लाई आता है। तो हम रेगुलरली टच में रहेंगे यूनिवर्सिटी के, सो दैट कि क्योंकि बच्चों के करियर का ये सवाल है, तो ये हमारे बच्चे हैं, हम इनकी चिंता है कि इनका जो करियर है वो इफेक्ट ना हो ज़्यादा। तो देखते हैं अभी यूनिवर्सिटी क्या करती है। तो हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है और हम बच्चों के साथ में हैं, और हम चाहते हैं कि ये तो करियर में आगे जाएं। आपको लगता है कि बच्चों की जो डिमांड है वो जेन्युइन है और उनके साथ बिल्कुल बच्चों की डिमांड पूरी जेन्युइन है, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा लेट आया है यूनिवर्सिटी से। अगर जो 3-4 महीने पहले आ जाता तो बच्चों को थोड़ा और मौका मिल जाता, अगर रोल बैक में उसकी स्टडी करने का, जो नेक्स्ट ईयर की करने का। तो हम पता करेंगे कि क्या कारण है यूनिवर्सिटी की, क्या मजबूरी रही है कि रिजल्ट नहीं आ पाया। ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट।